ప్రజెంటింగ్ బై విజయ్ స్టూడియో సింగంజ్. मारा माँ बाप नहीं है. देखिए मैं एक ही भजन गाऊंगा लेकिन मेरे ये मेरा फेवरेट भजन है. किसी भी चीज को फील से करना. जुड़ जुड़ी रोवे, जुड़ जुड़ी रोवे, सुगना थारी याद फिरो अलगी गणी पर नहीं दे पिता वो लीनी ना सार समय अलगी घड़ी पर नहीं दे पिरावानी लीनी को निसारी समय. देखिए सुगना और लाछा बाबा की दो बहने थी लेकिन बहुत कम लोगों ने पतो है कि वे बाबा की सगी बहिना नहीं थी. कल मैं जहां कार्यक्रम करके आया वह सब भीम के पास में एक स्थान है मियाड़ा, जहां पर बाबा रामदेव जी महाराज के काका जी धनरूप सिंह जी की समाधि है. उन्होंने भोलेनाथ की भक्ति की और जीवित समाधि ली. तो लाछा और सुगना उनकी बेटियां थी. अजमाल जी ने कोई औलाद नहीं थी लेकिन अजमाल जी बाबा रे अवतार से पहला अजमाल जी ने अपने पुत्र पुत्री जो भी कहें उस रूप में उन दोनों बेटियों को उन बेटियों का पालन पोषण किया. लाचा भाई रो ब्याह जब बाबा रो अवतार हुआ तो बाबा रामदेव जी महाराज ने रुणीचा की स्थापना की और सबसे पहले लाचा भाई रो ब्याह होयो. अपन रामदेव रा जब जाते हैं तो 10 किलोमीटर पहले पोकरण जगह है तो लाचा भाई को सास रो पोकरण हो. सुगना भाई ने बहुत दूर पोंगलगढ़ बीकानेर जिले में पड़िहार कुल में सुगना भाई रो विवाह हो लेकिन पड़िहारों ने अपने क्षत्रिय होने रो अभिमान हो. बाबा रामदेव जी तो गरीब लोगों रे साथ में रहता और इस बात से वो नाराज हो गए और सुगना भाई पर आजीवन पीहर जाने पर प्रतिबंध हो गया. सुबह सब्जी बनाती तो भी मम्मी को फोन करके बोलती कि मैंने ये बनाया. पीहर की वैल्यू क्या होती है वो उसको पूछो जिसका पीहर बहुत दूर हो. हाँ माता जी बैठे सोच रहे पीहर की वैल्यू उसको होती है. पीहर की वैल्यू उसको होती है जिसके पीहर में मां हो क्योंकि मां जब नहीं होती तो भाई और भौजाइयों के भरोसे पीहर का कोई महत्व तो नहीं है. मां जब बैठी होती तो बेटी बिना त्योहार भी बार बार पीहर जाती है. लेकिन ये बहुत कम है. आपका परिवार तो बहुत संस्कारवान परिवार है. सुगना भाई बोले भाई कभी कभी समाचार आवे कि रामदेव तो बहुत बड़ो आदमी बन गयो है तो दुनिया का दुख मिटावे तो दौरा को भलो करे पर मैं भी तो थारी बहन हूं मेरे लिए क्यों नहीं सोचता कोई. तो
ये मेरा फेवरेट भजन है, किसी भी चीज को फील से करना, हमारे आपके मन में चलती हुई भावनाओं को व्यक्त करना, क्योंकि संगीत भावनाओं को व्यक्त करता है। जब उमंग आती है तो नाचने की भावनाओं को व्यक्त किया जाता है, लेकिन जब विरह जाता है तो विरह को गाया जाता है, और जब सीता जी का वियोग हो जाता है तो वन चले राम रघुराई उस वियोग को भी गाया जाता है। तो संगीत में बड़ी ताकत है। मैं तो इतने स्वर नहीं जानता, लेकिन फिर भी मुझे जो फील से गाना होता वो मैं आपको फील से सुनाऊंगा। जुड़ जुड़ रोवे, जुड़ जुड़ रोवे, जुड़ जुड़ रोवे सुगना थारी कौन संदेश लावे जुर जुर दो सुगना थारी याद बिरो तो। एक प्रकार से निवेदन कर दो पंक्ति साहुरी दूर जानाई दिन रहे घोड़े साहुरी दूर जानाई दिन रहे घोड़े असा हूं तुर जाना दिन रे दिन रात ताना के थारो भाई तो कामड़ियों है। भूल से भी सुगना यदि रामदेव जी का नाम ले लेती किसी के सामने तो सुगना का भोजन बंद हो जाता। क्यों नीच रो नाम लेने रो इन घर में जरूरत ना, वो तो नीच लोगों को संग करे।
सुगना सुनते सुनते 12 वर्ष बिता दिए। और आका भाई आवे कने रक्षाबंधन में तो सुगना को काल जो बड़े कि मारो भी तो भाई है, या तो मने यूं लागे कि मारो सगो भाई नहीं है, ई वास्ते उन्हें चिंता नहीं। मैं जामण जाई होती तो शायद बहुत हो। बीकानेर के बहुत सुंदर एक कवि हैं पन्नालाल प्रेमी, उन्होंने एक बहुत ऊंची बात लिख दी। सुगना के मन में ये प्रश्न खड़ा हुआ कि भाई आज तो थारो ब्याव नहीं हो तो तू मने ले जा, तुम्हारो रसोई तक अधिकार वेला, मैं कहीं पर भी बैठ सकती हूँ, कुछ भी खा सकती हूँ, कुछ भी बोल सकती हूँ। क्योंकि जब और जब घर में भाभी आ जाती है तो कई चरित्र कई चीजों का बाउंडेशन हो जाता है, उसके स्थान तय हो जाते हैं बहन के कि उसको किस कमरे तक रहना है और कहाँ तक बोलना है। कभी कभी बोल देती है तो खट से भोजाई कह देती है कि भाभी ननद भाई साहब आप पंचायती अपने घर में। तो ये सामाजिक सत्य बातें हैं जो हमारे आसपास में घटित होती दिखाई देती है। कई बार हमारे जीवन में भी ये चीजें हो ही जाती है, ये प्रकृति है, ये कोई बुरी बात नहीं है, ये प्रकृति की बातें हैं जो हमारे मनुष्यता के साथ में ये बुरे अच्छे भाव बुरे भाव चलते हैं। सुगनारी मन की बात पन्नालाल जी ने लिखी इस प्रकार कि भाई ए सासू जी तेरा, ससुराल में सासू है तो ससुराल है, बाकी अपना घर है। ए सासू जी तेरे सासी रोरे बिना मायड जी तेरे, सासू जी तेरे सास रोरे बिना मायड जी तेरे। अरे जद भावज जदी भो जाई हरी आव सीरे बीरा, जद भो जाई हरी आव सीरे बीरा, इमारो बस को निचाले मारा भी बीरा मारा राम देव दे भाई ने एक करी ले मारा किण जन मारो दोस पूंगल क्यों परनाई रे, इबीरा मारा किण जन मारो दोस पूंगल क्यों परनाई रे। ओ पूंगल रा पड़िहार माने, ओ पुंगलरा पड़िहार माने, पुंगलरा पड़िहार माने, पुंगलरा पड़िहार माने, गणी सतावे रे तेरा मार किण जन मारो दो पुंगल क्यों पर नाई, बाबा रामदेव जी महाराज ने। तू घड़ा दुखारो भार माथे ढोया ना करिए, तने देवण आऊं तो भाई तू रोया ना करिए, देवण आऊं तो भाई तू रोया ना करिए, घोड़े चढ़िया बोलो हरा दुखड़ा मिटा बोलो, घोड़े चढ़िया बोलो हरा दुखड़ा मिटा बोलो, अरे तू गणा दुखारो भार बोलो भाई ना रोया करिए, इतना बोलना तनली बनिया बोलो भाई तो रोया ना करिए, तनली बनिया बोलो घोड़े चढ़िया बोलो चढ़िया
ए तू घड़ा दुखारो भार माथे ढोया ना करिए। तन ली बन आऊ लो भाई तू ढोया ना करिए। और एक दिन राम जी को वास्तव में सपना आया, नींद में उठा, मां ने जगाई, बोले मां मने खोटो सपनो आयो, माता मैणा दे मने खोटो सपनो आयो, मैं सुगना ने रोवती देखी। प्रभात हुई, रत्ना रायका ने बुलाया, गए रत्ना, रत्ना सामने खड़ो हो गए, रत्ना रो ब्याह हो तो ताजो ताजो, मतलब 15 दिन हुआ था। तो रत्न सोचो कि भाई लुगाई रे कोई कोई दीनाम दई बाबो कृपा करी कोई। रत्न सामने जाके खड़ो हो, बोले बाबा हुक्म कराओ। बोले रत्ना पुंगलगढ़ जानो है। रत्नो कांपण लागो, बाबा 15 दिन होया, थोड़ी दया करो, लुगाई नहीं थी बेगी क्यों विधवा करो है। बोले इतना सूरवीर पहला गया बे, आज तक एक भी पाछो आयो नहीं, और मारो कोई आटो है अट्ठी काट लो, और बिना पेंशन घरे भेजनो तो बिना पेंशन भेज दो, मारे पेंशन नहीं चीजें, पर बाबा मौत रे मुंह में क्यों भेजो। बाबा रामदेव जी कहो कि सुगना ने लेवण वास्ते जानो तो नहीं पड़सी, बोले तू कुछ भी कर। रत्नो बोले बाबा हुकुम करायो जानो पड़ेला, फिर भी रत्नो दिमाग लगायो कि बाबा कहीं ले जाऊं। बोले सांडा खड़ी है, कितने सारा ऊंट खड़ा है, कुछ भी ले जा। रत्नो गयो सांडा के बाड़ा में, एक मरियल सी सांड जो कदम भी नहीं चल सके, मतलब बाड़े बारे निकलती मर जानी, ऐसी मरियल सी बीमार दूजती कांपती भी सांड सेलेक्ट करी, कोई डिमांड नहीं भाई। अब रत्न ने मन में किया सांड मैं लेर जाऊं, निकलती या सांड मर जाई, और मैं बाबा ने वापस आर कह दूं कि बाबा मैं तो तैयार था, मैं तो जा ही रहे तो, पर बस सांड ही मर गई, अब क्या करूं मैं। लेकिन बाबा ऐसी कृपा करी, जैसे ही रत्नो सांड पर बैठो, बस सांड पवन रे वेग से पोंगल की तरफ जा रही, और जब पवन के वेग से सांड चलनी शुरू हुई तो रत्ना रायका ने मन में बहुत बड़ो भरोसा हो गयो कि अबे बारो बाबो मरने तो नहीं देला, ये तो गारंटी है। पोंगलगढ़ पुगो तो बाबा रत्ना ने बाबा रो अभिमान हो भक्ति को, ठाकुर साहब विजय सिंह जी सामने एकदम पौड़ के अंदर एकदम पहली पौड़ में बैठा, रत्नो सांड पर बैठो बैठो सापो आपो झुकायोड़ो अंगर की पैर जोड़ी, हाथ में चुकी हो हाथ में, और रत्नो दे अंदर, विजय सिंह जी क्रोध आए, बोले हे ऊपर चढ़ियो चढ़ियो अंदर लावड़ा में कैसे आने की हिम्मत करी, कौन है तू। बोले साहब मारो नाम रत्नो है, वो तो अभिमान से बोला बाबा रो भगत। बाबा को नाम सुनते ही विजय सिंह जी ने रत्ना ने कैद में बंद करा दियो, कुएं में उल्टो लटका दियो। रत्नो देखो तो मुसीबत है, किन टाइम डोरी टूटी नहीं दबिना हो तो। रत्ना जोर जोर हंसवा लागो अंदर, आह क्या बात है, ऐसी लागोड़ी है, आनंद आ रो है, इससे बड़ा आनंद तो दुनिया में कहीं नहीं है। विजय सिंह जी ने सुन लिया, बोले इन्हें आनंद आ रही है, बाहर निकालो सारे को, आनंद नहीं देना है, जेल में बंद करो। जेल में बंद करिए, रत्नो बोले वाह भाई वाह, आई चाहो तुम तो। सुगना बाई जी एक ननंद ही, वह कभी कभी सुगना को ख्याल रखती। बाजार सुगना ने कहो कि आपरे पीहर सो रत्नो नाम रो एक आदमी आयो है, पर मारा भाई बिने भी कैद में बंद कर दियो। तब सुगना बाई ने तय कर लिया कि अब तो मैं मर के ही जाऊंगी, लेकिन यह भी कि भाई यदि मैं मर गई तो लोग तुझे मारना बंद कर देंगे, क्योंकि तो मैं मर गई तो लोग कहेंगे कि दुनिया का दुख मिटाओ तो खुदरी बहन तो मर गई। बोले भाई मर तो जाऊंगा लेकिन थारो नाम भी बदनाम साथ में कर जाऊंगा। अंत में लिखियो, भाई सुगना
साथ गावे पन्नाला तेरा हारा बैरो अरे अलगो बैरो अरे अलगो बैरो सासरो दे माता मिलवा दूचा हो बाई ने माता मिलवा दूचा हो बाई ने माता मिलवा दूचा बोलिश यजमान घर होता।